इस कार्यक्रम के बारे में हम लोग ने बहुत पहले से सोच के रखा था। इसका पहले उज्जैन में एग्जीबिशन होनी थी बट कुछ कारणवश नहीं हो पाई। तो हम लोग का मोटिव ये था कि राम जी की जो पूरी जीवन गाथा है, मतलब जन्म से लेकर सीता जी का धरती में समाने से लेकर सारे, मतलब हर एक मोमेंट की पिक्चर बना के उसको एग्जिबिट की जाए। और सिर्फ ये सिर्फ एक जगह नहीं होगी, ये जितने भी उनके मतलब स्थल हैं, ओरछा हो गया या फिर अयोध्या हो गया या उज्जैन हो गया, वहाँ सब जगह एग्जिबिट करना हम लोग का मोटिव है। रंग के साथी ग्रुप के कलाकारों द्वारा बनाए गए श्री राम के जीवन पर केंद्रित चित्रों की प्रदर्शनी का आयोजन स्थानीय रविंद्र भवन सभागार में किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के सहयोग से किया गया। हम लोगों ने मिलकर ये ग्रुप इसलिए शुरू किया था ताकि हम लोग कला के क्षेत्र में सागर में कुछ विकास कर सके और बच्चों को बता सके कि इस क्षेत्र में भी बहुत सारी आगे संभावनाएं हैं, रोज़गार की भी संभावनाएं हैं। और आप सोचते, लोग सोचते हैं ये सिर्फ हॉबी है, तो हम ये बताना चाहते हैं लोगों को कि ये सिर्फ हॉबी नहीं है बल्कि ये प्रोफेशन भी है। मुझे लगभग 5 साल हो गए हैं इस क्षेत्र में आए हुए। सर से पहले मैंने सीखना शुरू किया था, फिर धीरे धीरे इस क्षेत्र में मैंने आगे इंटरेस्ट बढ़ा तो मैंने इसमें डिग्री ली और फिर उसके बाद हमने साथ में मिलकर इंस्टीट्यूट शुरू किया। तो उस इंस्टीट्यूट को भी अभी 3 साल हो गए हैं और 3 साल से हम लोग लगातार बच्चों को सिखा रहे हैं और पेंटिंग के क्षेत्र में डिप्लोमा कोर्सेज भी करा रहे हैं। हम लोगों के प्लान से कि अभी धीरे धीरे इसमें हम लोग कुछ चित्र और जोड़ेंगे और हमें इस पूरी जो श्रृंखला है इसको ओरछा, उज्जैन और हम लोगों का अयोध्या तक ले जाने का प्रयास है। हम लोग बस ये चाहते हैं कि सब लोगों का सहयोग रहे ताकि हम इसको आगे तक लेके जा सकें। हमारी एक टीम है, उसका नाम है रंग के साथी ग्रुप। उसमें तकरीबन 20 लोगों का, चित्रकारों का एक समूह है। समय समय पर हम लोग किसी थीम को लेकर काम करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने बुंदेलखंड के लोक चित्र पर काम किया हुआ था, 40 कैनवास बनाए, उसकी एग्जीबिशन हम लोगों ने खजुराहो डांस फेस्टिवल में की थी। चूँकि संस्कृति पर भी हम लोगों को काम करना है तो इससे अच्छा कोई हम लोगों के पास सब्जेक्ट नहीं था कि रामायण के ऊपर काम किया जाए। बहुत सारे लोगों ने इस पर काम किया हुआ है, अपने अपने तरीके से सब लोग काम करते हैं। तो हमारी टीम ने भी इसको जल रंग से बनाया है और इसमें 20 चित्र में रामायण के प्रमुख प्रसंगों को दिखाने का कोशिश की है। आने वाले टाइम में हम लोग इसमें कुछ चीज़ें और जोड़ते जाएंगे और इसको हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे। इस 2 दिवसीय आयोजन के प्रथम सत्र में श्री राम के जीवन से जुड़े विभिन्न स्वरूपों, पहलुओं और रामायण की घटनाओं का रामकथा के रूप में कलरफुल पेंटिंग्स के माध्यम से प्रदर्शन किया गया। वहीं दूसरे सत्र में पद्मश्री कपिल तिवारी द्वारा बुंदेलखंड की लोक संस्कृति एवं उसमें बसे राम विषय पर उद्बोधन दिया गया। और मैंने रंग आर्ट इंस्टीट्यूट में सीखा है, 3 साल का कोर्स किया था मैंने। और मैंने यहाँ पे पेंटिंग बनाई है, वो राम सेतु का वो बनाया है। मैंने ये वाली पेंटिंग बनाई है जिसमें राम जी हनुमान जी को अपनी निशानी देते हैं, अंगूठी देते हैं ताकि वो सीता जी को दिखा सके, जिससे वो उनकी पहचान कर सके। मैंने सर से ही सीखा है, सरार सर से, और 2 साल हुए मुझे करते हुए। मेरे साथ में मेन तो हम ही गाइड करते हैं और साथ में उसके बाद हमारे साथ में एक मैम, मेरे साथ मैम है, अंशिता नाम है उनका, अंशिता बजाज वर्मा, वो भी हम उसको गाइड करती रहती हैं। और हम लोगों के पास कोर्स हैं जो खैरागढ़ का, हम लोगों के पास एक एफिलिएशन है हमारे संस्था के पास, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का, उसमें डिप्लोमा कोर्स होते हैं। एक प्राचीन कला संस्था है, उसके में भी सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स हैं जो 12 साल तक के बच्चों के लिए सर्टिफिकेट देती है, जो चंडीगढ़ की कॉलेज है, और 13 साल से फिर एबअप के जो भी लोग हैं वो कोर्स करना चाहते हैं तो उसके बेस पे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। तो प्रोसेस यही है कि बेसिक चीज़ें शुरुआत कराते हैं, स्केचिंग से शुरुआत होती है, फिर पेंसिल कलर, फिर वैक्स कलर, क्रॉन है, वाटर कलर है, ऐसे धीरे धीरे चीप करते हैं। उनमें से जो कलाकार अच्छे होते हैं, हम लोगों को लगता है कि हाँ ये आगे बढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, वो जो रुक जाते हैं उनके साथ हम लोग मिलकर इस टाइप की वर्कशॉपें करते हैं, इस टाइप की इवेंट करते हैं। देखिए काम, ये मेन बात ये है कि आप उसमें, ये पूरा तपस्या जैसा काम है, आप उसमें काम करें, जल्दी कोई चीज़ नहीं मिलती है। आज की जनरेशन में थोड़ी सी मुश्किल ये है कि वो तुरंत रिजल्ट चाहती है, कि जैसे व्हाट्सअप जैसा है कि कोई एक क्लिपिंग देगी, नेक्स्ट दूसरे दिन दूसरी क्लिपिंग देखने की है। तो ये कोई भी काम है, कोई भी कला है, वो थमके आती है, रुक के आती है। सबसे यही कहना चाहेंगे कि आप संयम करें, उसमें अपना पूरा 100% दें, तब कहीं जाके ये कार्यक्रम अच्छे से, कोई चीज़ अच्छे से सीख पाएंगे और कोई चीज़ आपकी कला भी निखर पाएंगे। रंग के साथी ग्रुप द्वारा विगत कई वर्षों से बच्चों को चित्रकला का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा इस ग्रुप द्वारा कई शहरों में पेंटिंग्स, वर्कशॉप्स और एग्जीबिशंस का आयोजन किया जा चुका है।